हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो पार्ट टू है ऑपरेटिंग सिस्टम का, लेक्चर 13। तो इसमें हम जानेंगे यूजर इंटरफेस, टास्क बार और आइकन्स के बारे में। हम लोगों ने आगे पढ़ा था, उसके बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लिया था और बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप एंड लैपटॉप के यूजर इंटरफेस के बारे में। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं और ये टास्क बार क्या होता है और आइकन्स क्या होते हैं और रनिंग एनिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को कैसे ऑन किया जाता है। उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग मैनेजिंग विंडोज़, इतना टॉपिक आज कवर करेंगे। देखिए, ये है विंडोज 7 का डेस्कटॉप यूजर इंटरफेस। तो इसमें हम जानेंगे, यही है हमारा इंटरफेस जो सिस्टम ऑन होता है। तो ये फर्स्ट इंटरफेस आता है हम लोग का, जहाँ से हम लोग अपना कार्य कंप्यूटर के अंतर्गत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टास्क बार की। टास्क बार कहाँ होता है? तो देखिए, टास्क बार ये नीचे होता है, ये जो पट्टी दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक, इसी को बोलते हैं टास्क बार। इन टास्क बार का काम ये होता है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने रिसाइकिल बिन ओपन किया, तो आपको रिसाइकिल बिन नज़र आएगा। जैसे ये रहा हमारा रिसाइकिल बिन ओपन हुआ है तो ये नज़र आ रहा है। उसी तरह जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई फोल्डर ओपन किया या प्रोग्राम, जैसे हमने VLC मीडिया प्लेयर ओपन किया, देखिए ओपन हो गया, तो इसका यहाँ पे विंडो दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ओपन है। यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं विंडोज को, VLC मीडिया प्लेयर का, और यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, तो ये हमें शो होता है। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर खोले हैं, और भी है जैसे ये राइट करने के लिए है, लिखने के लिए स्क्रीन पे, ठीक है, तो ये भी खुला है तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो टास्क बार जो है हमारा कोई भी रनिंग एप्लीकेशन को शो करता है। और टास्क बार के ही सबसे कॉर्नर में, देखिए यहाँ पे आएंगे तो आपको कॉर्नर में ही मिलेगा एक विंडो जिसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। अब स्टार्ट बटन का काम ये होता है कि कंप्यूटर के अंतर्गत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हैं ये यहाँ से ही ओपन किए जाते हैं। डायरेक्टली तो यहाँ से ओपन होते हैं, बट एक यहाँ से भी ओपन किए जाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक हमारा यहाँ पे विंडो खुल के आया है। इसमें जो लेफ्ट पेन है और ये कहे राइट पेन, लेफ्ट पेन जो है रिसेंटली बार बार जो यूज करते हैं हम एप्लीकेशन, उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद अगर हम कंप्यूटर के अंतर्गत कोई प्रोग्राम को ओपन करना है तो डेस्कटॉप के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। जैसे माई कंप्यूटर ओपन करना है तो यहाँ से हम ओपन कर लिए। उसी तरह इसके और है एक कि ये है यहाँ पे सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में आपको ओपन करना है नोटपैड, तो इसमें टाइप करेंगे NOTEPAD नोटपैड, और आप इंटर प्रेस कीजिए या जैसे सबसे फर्स्ट जो आया है इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो गया, ये ओपन हो गया। तो उसी उसी तरह आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से सर्च करके ओपन कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं एप्लीकेशन जिनका हम एक्सटेंशन नेम के थ्रू ही ओपन करते हैं, कोई दूसरे नाम से। जैसे हमको MS Word ओपन करना है तो MS Word लिखेंगे तो हमारा वो नहीं आएगा, क्योंकि MS Word जो है एक अलग है। देखिए ये MS Word ओपन हुआ है लेकिन ये अलग है, एक फाइल है जो बनाया है MS Word के नाम से। लेकिन अगर हम यहीं पे WinWord ओपन की लिखेंगे WinWord और इंटर प्रेस करेंगे या इसको ओपन करेंगे तो हमारा ओपन होके आ जाएगा। तो एक ये रहा ओपन करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर। और उसके बाद से एक है ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम के अंतर्गत जब हम जाएंगे तो ये सारे इंस्टॉल एप्लीकेशन हैं, आइकन्स आपको नज़र आएंगे, ये जिस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे हमको नोटपैड ओपन करना है तो हम ये ISO Series फोल्डर के अंतर्गत नोटपैड आएगा, देखिए ये नोटपैड आ गया, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो गया। उसी तरह हमें कैलकुलेटर ओपन करना है तो हम एक ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं और ISO Series पे, और ये रहा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे हो जाएगा। उसी तरह कुछ 60 तरीके होते हैं इसी में रन कमांड के द्वारा। जैसे ऑल प्रोग्राम ISO Series फोल्डर के अंतर्गत जाएंगे तो रन आपको मिलेगा, हाँ रन कमांड, और इसको शॉर्टकट की के द्वारा भी लाया जाता है Windows+R। देखिए ये आ गया, इसके अंतर्गत हम जो भी टाइप करेंगे MS Paint तो हमारा पेंट खुलकर आ जाएगा, देखिए आ गया। तो ये हो गए कुछ बेसिक फीचर्स जिस जहाँ से हम ओपन करते हैं। अब उसके बाद से आता है डेस्कटॉप मैनेजिंग। इसमें क्या होता है कि ये राइट क्लिक करेंगे माउस का डेस्कटॉप पे तो एक पॉपअप मेन्यू ओपन होता है। सबसे पहला है व्यू ऑप्शन। व्यू में आइकन को बड़ा दिखाना है तो लार्ज आइकन्स,
और छोटा दिखाना है मीडियम क्वालिटी का तो मीडियम, उसी तरह इसमें एक है स्मॉल, स्मॉल ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो आपको नज़र आ रहा है, उसी तरह मीडियम में अधिकांश रहता है, इससे आइकन्स थोड़ा बड़े दिखाई देते हैं और अच्छे से समझ में भी आता है। अब दूसरा है शॉर्ट बाई में कि जो आइकन है वो नाम के अरेंज, जो आइकन्स हैं वो नाम के एक सीक्वेंस में अल्फाबेटिकल ए टू जेड के फॉर्म में एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए एक नाम के फॉर्म में हो गए और उसी तरह साइज है, साइज पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेटिंग्स हैं जिनका हम इस्तेमाल हम कर सकते हैं। डेट मॉडिफाई आइटम टाइप्स के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली नेम के थ्रू ही रहता है तो अच्छा रहता है, एक अरेंज में सिस्टमेटिक मैनर में ये सब होते हैं। उसी तरह ये रिफ्रेश करने के लिए है और एक इसमें इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ से है न्यू, न्यू से फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो देखिए डेस्कटॉप पे ये फोल्डर क्रिएट हो गया, फिर से एक फोल्डर और बनाना है तो यहीं पे जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक और फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, अगर ये फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको पकड़ के माउस के लेफ्ट बटन से इस रिसाइकिल बिन में लाकर ड्रैग कर दीजिए, यानी कि लाकर उसके ऊपर छोड़ दीजिए तो ये दोनों इसके अंतर चले जाएंगे। रिसाइकिल बिन के अंतर्गत कोई भी कंप्यूटर में के फाइल फोल्डर डिलीट होते हैं तो आकर स्टोर होते हैं, अगर हम कुछ वर्क करते हैं या टेक्स्ट डिलीट करते हैं तो वो हमारे नहीं होते हैं, भी आकर स्टोर। यहाँ से ड्रैग करते हुए लाकर इस पर ड्रॉप कर दिए, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिए, दोनों आ गया। लेकिन अब इसमें से हम डिलीट कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, अब नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि परमानेंटली डिलीट हो जाए तो फिर से हम एक न्यू फोल्डर बना रहे हैं, अब इसको डिलीट करना है तो इसको डिलीट करने के लिए आपको कीबोर्ड से शिफ्ट डिलीट और इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया न्यू फोल्डर, अब रिसाइकिल बिन के अंतर्गत जाएंगे तो ओपन नहीं होगा क्योंकि वो वहाँ पे नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से कंप्यूटर से ही आउट ऑफ कवरेज हो गया है, इसके अंदर से ही वो क्या हुआ मिट गया है। अब जान लेते हैं शॉर्टकट आइकन्स के बारे में। देखिए शॉर्टकट आइकन्स ये जो डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहे हैं, जो ये एरो ऐसा बना है, ये जो ये एरो जैसा ये बना है यहाँ पे, जिस जिसमें एरो बना है वो हमारे शॉर्टकट आइकन है। शॉर्टकट आइकन किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आइकन होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इसके सॉफ्टवेयर हैं, ये इसलिए सॉफ्टवेयर है, और यही सॉफ्टवेयर पे हम जब डबल क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको टैली ओपन करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, टैली ओपन हो जाएगा। तो शॉर्टकट आइकन डेस्कटॉप पे क्रिएट होके आते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय ये ऑप्शन को अलाउ किया जाता है तो हमारे इस पे नज़र आते हैं। और इनका एक बड़ा अच्छा सा बेनिफिट ये है कि हमको डेस्कटॉप के ही रूप से ये हमको देखने को मिल जाते हैं और हम इसको ओपन करके अपना कार्य यानी कि वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे शॉर्टकट आइकन्स हैं जो किसी न किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं डेस्कटॉप के ऊपर कि जहाँ से हम आसानी से ओपन कर सकते हैं। अब उसी तरह ये टास्क बार के बारे में जान लेते हैं अच्छी तरह से। और देखिए टास्क बार के लेफ्ट साइड में ये स्टार्ट बटन होता है और राइट साइड में ये डेट और टाइम होता है। ठीक है, इस टास्क बार को हम पकड़ के लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम चारों तरफ कर सकते हैं और इसी पे डेस्कटॉप के टास्क बार पे राइट क्लिक करके यहाँ से लॉक द टास्क बार कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन शो होते हैं, जैसे ये बैटरी जो चार्ज हो रहा है लैपटॉप की ये दिखा दे रहा है, यहाँ पे इंटरनेट का सिग्नल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साउंड है, साउंड को कम ज़्यादा हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद से आप लोग को डेस्कटॉप के कुछ और बेहतरीन फीचर्स के बारे में बताना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो पॉपअप मेनू ओपन होगा, यहाँ पे दिया है स्क्रीन रेजोल्यूशन, यहाँ से स्क्रीन को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेजोल्यूशन दिया है, यहाँ पर रिकमेंडेड जो है हमारा 1366x768 रिकमेंडेड। अब इसको बढ़ा घटा कर छोटा और बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा सा फीचर्स है। उसी तरह अब एक और है यहाँ पे गैजेट्स, गैजेट्स जो होते हैं आपको ये सुविधा देते हैं डेस्कटॉप पे मैनेज करने के लिए, जैसे कैलेंडर है इसको पकड़ के आप डेस्कटॉप पे ला के छोड़ दीजिए, आपको एक कैलेंडर आ जाएगा, यहाँ से घड़ी आ जाएगी, उसके बाद से आप यहीं पे देखेंगे तो ये सीपीयू मीटर है, सीपीयू कितना मतलब हीट हो रहा है, कितना कैसे कार्य कर रहा है, उस सब है। और तरह से है यहाँ से वेदर है, मौसम विभाग की जानकारी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह ये करेंसी है,
तो बहुत तरह के हैं यहाँ पे दिए गए गैजेट्स जिनका प्रयोग करके आप अपना एक मैनेज कर सकते हैं, कोई भी डेट हुआ या टाइम हुआ या सीपीयू का शेड्यूलिंग या हीट या कैसे काम कर रहा है सीपीयू, उसके हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है 52%, यानी कि अच्छा वर्क पे यहाँ पे कार्य कर रहा है। यहाँ पे जो शो हो रहा है ये हीट के लिए हो रहा है, तो 24% तक ये हीट है, तो इसी तरह इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बंद करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये है क्लोज बटन। क्लोज बटन के साथ हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। एक और इंटरेस्टिंग है इसमें, राइट क्लिक करेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा पर्सनलाइज। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये कंप्यूटर का जो कोर पार्ट है, जो डिस्प्ले पार्ट को सेट करना होता है, वो यहीं से होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है चेंज डेस्कटॉप आइकन, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आइकन्स आएंगे जो हमारे डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं आइकन्स। देखिए ये जो ये आइकन्स हैं हमारे कंप्यूटर, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन, और ये है एक यूजर का नाम जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये सब यहीं से शो होते हैं। जैसे हम कंप्यूटर से क्लिक करके हटा दिए, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल भी है हमारा, ये रहा कंट्रोल पैनल, ये रहा, और ये यूजर्स फाइल और नेटवर्क्स, और यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो देखिए ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, यहाँ से हाइड हो गए, छिप गए, नज़र नहीं आ रहे हैं। अब फिर इसी पे हम क्लिक करके चेक मार्क लगा देंगे तो ये सारे के सारे हमारे फिर क्या होंगे, नज़र आने लगेंगे। देखिए आ गए, तो ये होता है एक फीचर्स। उसी तरह ये है थीम्स, इसके अंतर्गत बहुत सारे थीम्स हैं जिस पे हम क्लिक करेंगे। देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं इस विंडो को। देखिए अब जैसे मान लीजिए हमने थीम्स इसमें कुछ इंस्टॉल किया, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला थीम आ गया, आपको नज़र आ रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसे थीम है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ दूसरा हो जाएगा। उसी तरह बहुत सारे हैं जिस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए नज़र आ रहा है। जैसे हमने एक हैरी पॉटर का इंस्टॉल किया है थीम, तो देखिए ये हैरी पॉटर वाला दिखाई दे रहा है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो कि आप एक खुद सेट कर सकते हैं अपने मुताबिक, जो आपको अच्छा लगता हो। तो ये कुछ फीचर्स हैं। उसी तरह देखिए एरो थीम्स हैं जो विंडोज का बेसिक है, उसका ये सिंबल है, देखिए आपको अधिकांश यही देखने को मिलता है विंडोज 7 के अंतर्गत। चलिए अब जान लेते हैं हम लोग कैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। देखिए एक तो डेस्कटॉप पे जो शॉर्टकट आइकन्स हैं उनके द्वारा हम ओपन कर लेते हैं, और एक जो होता है हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम के अंतर्गत जो जो इंस्टॉल है वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, आप उस पर जाइए क्लिक कीजिए। जैसे हमको एमएस ऑफिस को ओपन करना है, एमएस वर्ड या एक्सेल, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। एक ये तरीका हुआ ओपन करने के लिए। एक दूसरा है कि इसी में जाएंगे और यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंतर्गत हम एक्सेल लिखेंगे, एक्सेल, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे या एंटर की प्रेस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। एक और तरीका होता है कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए, विंडो प्लस आर, ये रन डायलॉग बॉक्स आ गया, और उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम लिखते हैं। जैसे एक्सेल को हम एक्सेल ही लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, ओपन होता है। उसी तरह मान लीजिए आपको पेंट ओपन करना है या एमएस वर्ड ओपन करना है, पावर पॉइंट करना है, तो हर के लिए एक एक्सटेंशन नेम होते हैं जिनके हम इस्तेमाल से कर सकते हैं। जैसे पेंट को ओपन करना है तो इसमें लिखेंगे एमएस पेंट तो हमारा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नोट पैड को ओपन करना है तो हम इसमें लिख देंगे नोट पैड और इंटर प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसी तरह नोट पैड, वर्ड पैड, पेंट ओपन करने के लिए आप ऑल प्रोग्राम स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। ऑल प्रोग्राम के अंतर्गत ये एसओ सीरीज फोल्डर होगा एक, और इसी फोल्डर के अंतर्गत आएंगे तो आपको यहाँ पे नोट पैड मिलेगा, यहाँ पे पेंट मिलेगा और सबसे नीचे वर्ड पैड मिलेगा। तो देखिए हम नोट पैड को ओपन कर दिए। अब नोट पैड को ओपन करने के बाद हम इसके अंतर्गत जान लेते हैं। देखिए ये जो तीन कमांड दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, देखिए शो कर दे रहे हैं, देखिए ये जो तीन कमांड दिखाई दे रहे हैं, पहले को बोलते हैं मिनिमाइज। इस पे क्लिक करने से क्या होता है कि जो हमारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के नीचे ये टास्क बार है, इस पे आकर मिनिमाइज हो जाएगा। देखिए मिनिमाइज हो गया, फिर हम इस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला जो है हमारा, इसका नाम है मैक्सिमाइज और रिस्टोर, छोटा और बड़ा करने के लिए। देखिए जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो गया, फिर इस पे क्लिक करेंगे तो छोटा हो गया, और ये वाला है इसको बोलते हैं क्लोज, इससे क्या होगा हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से अगर मान लीजिए यहाँ पे आ रहे हैं तो एक एरो बन रहा है, इससे बड़ा छोटा कर सकते हैं विंडो को, दिख रहे हैं। किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ये आपको मिलेंगी फीचर्स। ठीक है,
तो यही होता है विंडोज को मैनेज करना, ठीक है। ये विंडोज है, विंडोज के अंतर्गत तीन कमांड होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। और इसी तरह हम एक आपको डायलॉग बॉक्स दिखा रहे हैं, देखिए ये रहा डायलॉग बॉक्स, इसको बोलेंगे हम डायलॉग बॉक्स। इसमें केवल क्लोज बटन होते हैं, ठीक है। तो ये क्लोज बटन वाले हमारे होते हैं डायलॉग बॉक्स, और इस तीनों को जो बटन्स मिलते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे कौन से बटन, कंट्रोल बटन, जिनमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज, इनको विंडोज बोलते हैं, विंडोज, ठीक है। देखिए डेट और टाइम चेंज करना होता है तो आपको सबसे पहले तो डेस्कटॉप पे आकर टास्क बार, ये जो है इसके राइट साइड के कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे डेट और टाइम पे, तो आपको ये शो होगा। फिर यहाँ से चेंज एंड डेट टाइम सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और उसके बाद से यहाँ पे लिखा है कि चेंज डेट एंड टाइम, फिर इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे सेटिंग आएगा। अगर मान लीजिए आज 8 है, अगर 9-7 करना चाहते हैं तो बस क्लिक कीजिए, और यहाँ से टाइम चेंज करेंगे तो यहाँ पे इंटर करके और डिलीट बटन से डिलीट करके, मान लीजिए हम यहाँ पे 12 कर दिए। PM को AM करना है तो ये वाला जो एरो है ये अप AM हो जाएगा, नीचे करेंगे तो फिर PM हो जाएगा, तो AM PM करके ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा डेट और टाइम चेंज हो जाएगा। अब देखिए प्रोग्राम को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना आपको बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम जाएंगे कंट्रोल पैनल पे, स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे तो राइट पेन के अंतर्गत ये कंट्रोल पैनल है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया। अगर आप लोग को ऐसे नहीं होगा, इस अवस्था में होगा, तो आप ये कैटेगरी के अंतर्गत जाइए और ये है स्माल आइकन, इस पर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा ओपन होगा स्माल के थ्रू में। लेकिन आपको थोड़ा सा और लेवल इसको बढ़ाना है आइकन्स को, तो आप यहाँ पे लार्ज आइकन्स करेंगे, ठीक है। देखिए एक प्रोग्राम एंड फीचर्स नाम का एक को दिखाई देगा, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो, इसी के अंतर्गत सारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नज़र आते हैं। देखिए सबसे पहले इनमें आपको इतना सारा दिखाई दे रहा है, अगर एक को हम अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो सिंपल है, जैसे टैली को हम हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अनइंस्टॉल चेंज आ रहा है, या इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ भी क्लिक करेंगे तो देखिए इंस्टॉल अनइंस्टॉल होगा, अभी देखिए आ गया। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, अपग्रेड या अनइंस्टॉल। अपग्रेड मतलब करेंगे तो ये इसकी जो लाइसेंस है वो अपग्रेड हो जाएगी, दूसरे जो नया फीचर्स आया, नया वर्जन्स आए हैं उसमें कन्वर्ट होकर आ जाएगा। अनइंस्टॉल करेंगे तो यहाँ से ये क्या होगा, चला जाएगा। देखिए अनइंस्टॉल प्रोसेस चालू हो गया है, आपको कुछ सेकेंड लगेगा और ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे शो होगा। देखिए लिखा है ना कि यू हैव सक्सेसफुली अनइंस्टॉल टैली ERP 9। अब यहाँ पे डन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको कहीं नहीं नज़र आएगा, टैली हमारा क्या हो गया, इसमें से अनइंस्टॉल हो गया। अब डेस्कटॉप पे भी ढूंढेंगे तो नहीं आएगा, देखिए यहाँ से टैली कहीं ढूंढिए, टैली का शॉर्टकट आइकन आपको कहीं नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करते हैं। अगर आप लोग को टास्क बार, आइकन्स, डेस्कटॉप की सेटिंग्स वगैरह अच्छे से और जानना है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहाँ पे आपको अच्छे तरह से अलग वीडियो में हम समझाए हैं और बताए भी हैं, तो आप लोग वहाँ से देखकर सीख सकते हैं अच्छे से और, ठीक है। हमारा एक कंप्यूटर कोर्स नाम का एक प्लेलिस्ट है, जिसके अंतर्गत आपको मिलेगा सारा का सारा वीडियो, ठीक है। तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको और बेहतरीन नॉलेज हो जाएगी। हमारा प्रयास है आप लोगों को फुल नॉलेज देना, ठीक है। तो ये कोर्स वाइज है तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में लंबा हो जाता है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, ठीक है। देखिए अब हम जानेंगे कि फाइल और फोल्डर्स को कैसे मैनेज करते हैं। तो देखिए फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करने के लिए आपको ये कंप्यूटर आइकन, किसी किसी में माई कंप्यूटर के नाम से ये होता है, इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा HDD हार्ड डिस्क ड्राइव का ये पार्टिसिपन है। तो देखिए फर्स्ट जो होता है वो रिजर्व होता है किस लिए, सी ड्राइव कंप्यूटर के लिए, ये ऑलरेडी कंप्यूटर के लिए रिजर्व होता है। और एक डी और एफ, ये जो है हमारा DVD रीड राइटर ड्राइव के लिए होता है, जिसके अंतर्गत हम CD या DVD कैसेट अपने कंप्यूटर के अंतर्गत डालते हैं तो यहीं से वो ओपन होता है, ठीक है। तो डी है। अब उसी तरह अगला जो ड्राइव होगा, जैसे पेन ड्राइव अगर हम लगाएंगे तो आपको यहाँ पर एक अलग शो होगा, जिसे मानकर चलिए कि इस सीक्वेंस में होगा CDEF, तो G नाम से क्या होगा, हमारा पेन ड्राइव शो होगा, ठीक है। अगर मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो
अगर पेन ड्राइव नहीं करेंगे तो मोबाइल जी के बाद एच आई जितना बनेगा पार्टिसिपन तो उसके हिसाब से होगा। इसमें से हम अलग अलग कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, मेमोरी के वो स्थान है, ये स्थाई मेमोरी की है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं अपना सारा का सारा फोल्डर फाइल मैनेज करते हैं। तो ये तो हम लोग के यूज के लिए नहीं है, कंप्यूटर में जितने हम कार्य करते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल फोल्डर सेव करते हैं मतलब मैनुअली, तो सब सी के ड्राइव में ही क्या होता है इंस्टॉल होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो इसी के अंतर्गत आकर स्टोर होता है। बट ये जो दो है ये हमारे जो है हम अपने मर्जी से अपने खुद से इसमें हम कोई भी फाइल फोल्डर रखते हैं तो अस्थायी रूप से रहता है। जब कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो इन्हीं की सारी फाइलें क्या की जाती है, डिलीट की जाती है, इन दोनों को डिलीट नहीं किया जाता। अगर ये डिलीट हो जाएगा तो आपका सारा डेटा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स नज़र आएंगे, तो ये सब फोल्डर्स है किसी न किसी नाम से हैं, ठीक है, जैसे डिस्क्रिप्शन, डीओसी फाइल, ठीक है, फिल्मोरा सॉफ्टवेयर, हिंदी टाइपिंग, तो इसी तरह आपको एक फोल्डर्स मिलेंगे, ठीक है। और इन्हीं फोल्डर के अंतर्गत कुछ नाम लिखना होता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर भी बना सकते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन है इसके अंतर्गत फाइल्स बनी है, ठीक है। आप फोल्डर बनाना है तो देखिए ये न्यू फोल्डर्स हैं, ठीक है। अगर आप लोग को फोल्डर्स के बारे में फुल डिटेल में जानना है तो हमारे कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्यूटर कोर्स के प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको मिलेगा फाइल को मैनेज करना, फोल्डर को मैनेज करना हर अच्छे से, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और खैर हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ से आप लोग आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है, शंका है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लीजिएगा, हम जवाब ज़रूर देते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा ऐसा, ठीक है, और इसी बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में शो हो जाएगा, जिससे आप वीडियो देखकर नॉलेज अपना गेन कर सकते हैं।